नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यूट्रिशन ट्यूटर में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC CGL 2022 टीयर 1 रिजल्ट साथ ही मेंस एग्जाम डेट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किसी भी एग्ज़ाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा चैनल न्यूट्रिशन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, UP SSC, रेलवे, SSC, बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल न्यूट्रिशन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके CGL टीयर 1 से लेकर 13 दिसंबर तक कंडक्ट करवाए गए थे। उसके बाद आपकी जो आंसर की है टीयर 1 की 18 दिसंबर को आउट की गई थी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपकी टीयर 1 का जो रिज़ल्ट है आउट नहीं किया गया है। साथ ही दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट इसकी मेंस की एग्ज़ाम डेट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं कि आखिर इसका मेंस कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कि जितना ज़्यादा रिज़ल्ट डिले होगा उतना ज़्यादा आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है तो मैक्सिमम आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाता है मेंस की प्रिपरेशन के लिए, देन उसके बाद आपका मेंस कंडक्ट करवा लिया जाता है। तो जितना लेट आपका रिज़ल्ट आएगा उतना ही लेट आपका मेंस कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये जो अभी टाइम है आपको ये यूटिलाइज़ करना है विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिज़ल्ट। और कुछ कैंडिडेट दोस्तों ऐसे हैं जो कि अभी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए, बट ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ मिलेगा मेंस की प्रिपरेशन के लिए रिज़ल्ट के बाद, जो कि बिल्कुल भी इनफ नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी आपका टाइपिंग भी उसी दिन कंडक्ट करवा लिया जाएगा जिस दिन आपका मेंस एग्ज़ाम है। तो इसलिए आपको टाइपिंग की भी प्रैक्टिस अभी की अभी साथ में ही करनी है। तो अगर आपका आंसर की में रॉ स्कोर 100-10 के आसपास बन रहा है जनरल कैटेगरी से, तो बिल्कुल आपको अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। इससे ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी अच्छी है तो दोस्तों कट ऑफ आपका लो ही रहेगा। और टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग है तो मैटर भी नहीं करता कि आपके कितने मार्क्स हैं टीयर 1 में। तो आपको अभी से अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिज़ल्ट। साथ ही दोस्तों, हम सेकेंड ईयर बात करेंगे मेंस एग्ज़ाम डेट के बारे में, इसका टीयर 2 आपका कब कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, टीयर 2 की प्रिपरेशन के लिए आपको मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम दिया जाता है, और आपके जो CHSL हैं दोस्तों वो भी आपके मार्च 2023 में ही कंडक्ट किए जाने हैं। मीन्स या अगर आपका रिज़ल्ट थोड़ा और डिले होता है तो आपका जो मीन्स है वो मार्च की स्टार्टिंग में कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि फिर वो आपके मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंडक्ट करवाया जा सकता है, बिकॉज मैक्सिमम आपको 1 मंथ मिलेगा। अगर रिज़ल्ट आपका इसी वीक आ जाता है देन ऑल्सो दोस्तों मार्च के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके CHSL का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाना है। और इस बार आपका मेंस एक ही शिफ्ट में कंडक्ट नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा, और CGL में फर्स्ट टाइम मेंस में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, एक ही दिन में आपका टाइपिंग ही कंडक्ट करवाना है और साथ ही कंप्यूटर एबिलिटी का टेस्ट भी कंडक्ट करवाना है। तो यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट में इस बार आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए नंबर ऑफ डेज़ इस बार ज़्यादा लगेंगे। तो आपका जो CHSL प्री है उसके बाद ही मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी यही है फ़िलहाल कि एग्ज़ाम आपका मार्च के एंड में कंडक्ट करवाया जा सकता है। अगर रिजल्ट में थोड़ा और डिले देखने को मिलता है तो दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी अप्रैल फर्स्ट वीक भी बन जाए कि अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो अभी आप अपने पास 2 महीने मानकर चल सकते हैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो 2 महीने दोस्तों बहुत ज़्यादा इनफ है, आपको बिल्कुल अच्छे से अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ टाइपिंग को दोस्तों बिल्कुल भी आप लूज़ ना छोड़ें, बिकॉज अगर आपका टाइपिंग नहीं हो पाता है तो आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि दोस्तों 390 में से सिर्फ और सिर्फ आपका कट ऑफ डिपेंड करता है आपकी पोस्ट कौन सी मिलेगी। बट अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलने वाली, तो इसलिए टाइपिंग भी आपको अभी से स्टार्ट करनी है।
और मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका रॉ स्कोर 110 के आसपास है तो बिल्कुल आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी रिज़ल्ट के बारे में देखते कोई अपडेट फ़िलहाल ऑफिशियल अपडेट नहीं है, जैसे ही रिज़ल्ट के ऊपर कोई अपडेट आता है हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल न्यूट्रिशन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।